हेलो बच्चों, आज हम बात क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो कर रहे थे उसमें रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, इसमें हमने एक तो बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आज उसी एक्सरसाइज की आगे का कंसेप्ट है रिलेशन, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। रिलेशन मतलब संबंध क्या होता है। मैं राइटिंग जरा गंदी है लेकिन दिख तो जाती है, आखिर RELATION लिखा हुआ है, हम भी पढ़ लेते हैं तो तुम भी पढ़ ही लोगे। खैर, जरा रिलेशन होता क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा भाई, एक सेट, देखिए जब सेट थ्योरी पढ़ेगी तो सेट थ्योरी में कहा गया, देखिए एलिमेंट का अगर ऑर्डर आप चेंज करते हैं, आप 1 2 3 लिखते हैं, 3 2 1 लिखते हैं, 1 3 2 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बताया गया भाई ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू तो बदल जाती है। अगर आप 1 2 लिखते हो और 2 1 लिखते हो तो चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्डर चेंज करने से दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, तो उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर बताया गया, क्रमित युग्म जिसको हिंदी में कहते हैं उसको बताया गया, और उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाया गया। आपको मैं इस एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको दिक्कत हो तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं रिलेशन की बात करने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा, मान लिया एक सेट ए है 1 2 3 और हम चाहते हैं ए क्रॉस ए निकालना, निकालते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाएगा, इसको दोबारा लिख लो, ए को एक बार और लिख दो 1 2 3। ए क्रॉस ए निकालने का तरीका क्या होता है, इनके ऑर्डर पे लिखने पड़ेंगे, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। ये हमने कहा भाई ए क्रॉस ए निकाला, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है। अगर मैं कहूं क्या इसमें कोई रिलेशन है, तो आप कहेंगे है, ये इसके इक्वल है, ये इसे छोटा है, ये इसे छोटा है, ये इसे बड़ा है, ये इसके बराबर है, ऐसे बहुत सारे रिलेशन आ रहे हैं। तो उनमें से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं, कि मान लिया R1B आर रिलेशन, मैं एक रिलेशन निकालता हूं इससे R1, एक मैंने रिलेशन यहां से निकाला, कैसा रिलेशन है लिखा किसे जाता है, देखिए ध्यान से। R1 इज इक्वल टू लिखेंगे x कामा y सच दैट x इज इक्वल टू y, यानी एक ऐसा रिलेशन आप निकालिए जहां x और y, x एंड y बिलोंग्स टू a, जहां x और y a को बिलोंग करते हैं। तो आप एक ऐसा रिलेशन निकालिए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कि ये दोनों आपस में बराबर हों। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 कामा 1 एक रिलेशन है, 2 कामा 2 एक रिलेशन है, और 3 कामा 3 एक रिलेशन है। तो 1 कामा 1, 2 कामा 2 और 3 कामा 3, ये एक रिलेशन आया। अगर ध्यान से आप देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है इसको आपने सेट के अंदर बंद कर रखा है। क्या आप कह सकते हैं कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A? जी, तो हम कहेंगे R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जरा इस कंसेप्ट को पढ़ करके अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या बनाएंगे आप? तो आप कहेंगे अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट A सच दैट दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यानी रिलेशन की अगर डेफिनेशन हम बताना चाहें कि रिलेशन ऑन अ सेट A, रिलेशन ऑन अ सेट ए, सेट ए टू ए, यानी ए से ए में एक रिलेशन है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। यानी अगर कोई रिलेशन, मान लिया कोई रिलेशन ऐसा है आर जो ए से बी में डिफाइंड है, यानी ए के एलिमेंट रिश्तेदार हैं बी के एलिमेंट के, कैसा रिश्ता है, बराबर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ए टू बी बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, से नोट कर लीजिएगा, देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि भाई आर में एक सेट ए हमने लिया था 1 2 3, हमने कहा ए क्रॉस ए निकालिए, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा, आपको याद होगा
तो इसकी पहले वीडियो में बताया गया है कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए यानी कि 3 × 3 यानी ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर किसी सेट ए के एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, एक संबंध रखते हैं, और हमने भी कहा कि संबंध क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो अगर मैं कहूं ये बताओ इस सेट के एलिमेंट आपस में कितने टाइप के संबंध रख सकते हैं, तो आप कहेंगे जितने टाइप के सबसेट हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में जितने सबसेट हो सकते हैं उतने टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस में ए में कितने एलिमेंट है, 9, तो कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 × 9, इतने रिलेशंस हो सकते हैं। आप एक अच्छा वैसे बना के दिखाओ, नहीं बना पाएंगे। तो रिलेशन कुछ भी कह सकते हो ना भाई, आप कहोगे नंबर एलिमेंट इक्वल है तो बताओ, उनका सम 2 है तो बताओ, सम ऑड नंबर है तो बताओ, सम इवन नंबर है तो बताओ, सम प्राइम नंबर है तो बताओ, पहला प्राइम दूसरा प्राइम नहीं है तो बताओ, दोनों को प्राइम है तो बताओ। तो बहुत टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, तो जितने सबसेट हो सकते हैं उतने टाइप के रिलेशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने रिलेशन बताया, हमने कहा ए से ए में रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए ए और यहां पर दोबारा आप लिख दीजिए ए। ये एक एलिमेंट क्या है, 1 × 2 × 3 और ये 1 × 2 × 3। अब देखिए इसके सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं, को डोमेन कहलाते हैं, और इसका इससे रिलेशन है, जो रिलेशन बना रहे हैं एलिमेंट ये कहलाते हैं रेंज। इसके एलिमेंट डोमेन, ये वाले एलिमेंट डोमेन, ये पूरे को डोमेन, इसके वो एलिमेंट जो इसके रिलेटिव है, जो इसके संबंध इससे रखते हैं, वो रेंज कहलाते हैं, परिसर, प्रांत, सह प्रांत और परिसर कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 को डिफाइन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी 11th मैथ्स। इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक सेट है ए, इसके एलिमेंट क्या है, 1 to 14, 1, 2, 3 up to 14 इसमें एलिमेंट है। अगर मैं कहूं कि भैया रिलेशन निकालो, आप ए क्रॉस ए निकालो, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 14 × 14 196 ए क्रॉस ए निकलेंगे। तो वो फिलहाल हम बनाने नहीं जा रहे हैं। और कहते हैं एक रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ए से ए में एक रिलेशन डिफाइंड है। कैसा रिलेशन डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन डिफाइंड है आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। तो कह रहे हैं कि राइट डाउन द डोमेन को डोमेन एंड रेंज, इसके डोमेन को डोमेन और रेंज निकालिए। जरा देखिए ध्यान से, यानी कि अगर इस संबंध को देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 3x - y 0 है, यानी y इज इक्वल टू 3x है। आप x का मान भी यहीं से उठाना है और y का मान भी इसी से आना है, मतलब x की वैल्यू यहां रखोगे कहां से, इन्हीं में से, और वो y लोगे जो इसी सेट के अंदर से आएगा। ठीक है, मैं x को रखता हूं 1। अब आप कहेंगे भैया y को रखो, y को रखेंगे तो x y/3 होगा ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रखता हूं। x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, x को 2 रखो तो 3 × 2 = 6 होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। x को 3 रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। x को 4 रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। x को 5 रखो
तो वाई की वैल्यू 15 आएगी, जो कि यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो यू कांट टेक दिस पेयर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं व्हाट रिलेशन यू हैव गॉट, तो आप कहेंगे वी हैव गॉट द रिलेशन 1,3, 1 का 3 से रिलेशन आएगा, 2 का 6 से रिलेशन होगा, 3 का 9 से रिलेशन होगा और 4 का 12 से रिलेशन। इस प्रकार के रिलेशन हमारे पास आएगी। एक मिनट, ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं भैया ऐसा करो कि आप इसका रेंज निकालो, इसका डोमेन निकालो और इसका कोडोमेन निकालो। देखिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए डोमेन क्या निकलता है, डोमेन में ए टू ए रिलेशन में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं लिखेंगे, पर रिलेशन तो ए से ए में है, आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो इससे रिलेशन बना रहे हैं, पहले एलिमेंट 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं कहूं डोम ऑफ आर निकालना है, तो डोमेन ऑफ आर क्या निकलेगा, 1, 2, 3, 4, ये डोमेन निकल गया है। अगर मैं कहूं कि कोडोमेन निकालिए, कोडोमेन को डोमेन ऑफ आर, उसमें ये सभी एलिमेंट होंगे 1, 2, 3 अप टू 14, और जो कोडोमेन के एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं उनको हम कहेंगे रेंज ऑफ आर। तो अगर हमसे कहा जाए रेंज निकालो, रेंज ऑफ आर, तो ये वाले एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। फिर समझिएगा, डोमेन में वो एलिमेंट ए के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, सेकेंड एलिमेंट रेंज है, और जितने भी एक ही एलिमेंट है वो सब कोडोमेन कहलाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि आपका वीडियो हमारा जो वीडियो है आपके लिए किसी प्रकार से लाभदायक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे क्या करना है आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो रिलेशन आपका है ना वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से रिलेशन है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन है, दोनों नंबर किस प्रकार से रिलेटेड है। दिया ये है कि जो रिलेशन आपका दिया गया है वो दिया गया है एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, y is equal to x plus 5, where x and y belongs to, x is a natural number, नहीं आगे condition दी गई, x is a natural number less than 4, यानी x natural number है but x is less than 4 है और y is also natural number। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप x की वैल्यू जो चाहे रख दे, नहीं, आपको x की वैल्यू जो रखनी है वो लेस देन 4 रखनी है, लेस देन 4 रखनी है, लेस आर इक्वल टू 4 नहीं, 4 से छोटे नंबर रखने हैं। तो यानी x की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं, बस ये वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, जब मैं x को 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, 6 आएगा, तो आप कहेंगे x को 1 रखने से y 6 आ रहा है, पहला ये रिलेशन हो गया। x को 2 रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, एक ये रिलेशन हो गया। x को 3 रखिए, y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, और x को 4 रखिए तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो एक्चुअली रिलेशन, सॉरी, y की वैल्यू 9 आएगी। तो एक्चुअली में रिलेशन आपको क्या मिला, रिलेशन 1,6 मिला, रिलेशन 2,7 मिला, रिलेशन 3,8 मिला, रिलेशन 4,9 मिला। तो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, आपसे कह रहा है कि डिपेक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन आपने लिखी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। और रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आपको सभी एलिमेंट लिखने पड़ेंगे रिलेशन के। ठीक है, और फिर कह रहे हैं डोमेन निकालो, रेंज निकालो। तो अगर मैं इसके डोमेन निकालना चाहता हूं, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन में जितने फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये इसके डोमेन है, तो ये डोमेन हो गए 1, 2, 3, 4। और अगर आपसे अच्छा रेंज ऑफ आर बोल रहे हैं, रेंज ऑफ आर में क्या करेंगे, तो सेकेंड एलिमेंट है 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। और अगर कहेंगे कोडोमेन, तो कोडोमेन में पूरा का पूरा
नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ओके, नोट डाउन दिस। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए और बी दो सेट है। चलिए, एक सेट ए है, दैट इज 1 2 3 5 1 2 3 5। अब ऐसा है तो है, आप ये 4 कहां चला गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। बी दिया है 4 6 9। बी दिया है 4 6 9 और कहते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जो ए से बी में है। ये ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन का साइन भी होता है, लेकिन फंक्शन और रिलेशन में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। फलन और इसको प्रतिचित्रण कहते हैं, ये संबंध। मैं संबंध की बात कर रहा हूं। कैसा रिलेशन दिया है, जरा देखिए क्या दिया है। रिलेशन कह रहा है कि एक्स कामा वाई, एक एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा रिलेशन है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑट, यानी एक्स माइनस वाई इज ऑट। कहते ये जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, और जहां एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी को बिलोंग कर रहा है। नियम क्या है? देखो, नियम तो ये है कि पहले आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। नियम ये है क्योंकि हमने कहा था कि अगर ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो वो एक्चुअली ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, जिसको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉम बी, दैट विल फॉर्म एन ऑर्डर पेयर। 1,4 1,6 1,9 1 के साथ हो गया, 2,4 2,6 2,9 3,4 3,6 3,9 5,4 5,6 5,9। अब आपसे रिलेशन ये कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दिस इज ऑड, डिफरेंस ऑड होना चाहिए। ठीक है, कैसे किया जाएगा? अगर मैं कहूं, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, दो नंबर के बीच डिफरेंस तभी ऑड होता है जब उनमें से एक ऑड हो एक इवन हो। अगर मैं कहूं 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, देखिए ये समझिएगा, एक्स माइनस वाई लिखा है, ये एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, ये वाई माइनस एक्स भी हो सकता है। तो ये भी कहा कि किसका किसका डिफरेंस, उन्होंने कहा दोनों नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी ऑड आएगा। तो जो रिलेशन आएगा ना, उनमें से एक तो 1,4 आएगा, एक इवन एक ऑड, तभी डिफरेंस ऑड होगा। क्योंकि अगर दो इवन नंबर है, मान लिया मैं 2 इवन नंबर लेता हूं 2 और 4, तो इवन नंबर का डिफरेंस इवन आएगा। अगर मैं 2 ऑड नंबर लेता हूं तब भी डिफरेंस इवन आएगा। एक इवन एक ऑड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, देखिए, अच्छा 1,6 ये भी डिफरेंस 5 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है। राइटिंग थोड़ा गंदी है लेकिन करें क्या। 1,9 दोनों ऑड है, डिफरेंस 8 आएगा, नहीं चलेगा। दोनों इवन है, नहीं चलेगा। दोनों इवन है, नहीं चलेगा। दोनों इवन है, डिफरेंस 4 आएगा, नहीं चलेगा। दो बार क्यों लिखा हमने, 2,6 2,9 आएगा, ये 2,9 सॉरी, एक इवन एक ऑड है चलेगा, तो 1 2,9 आ जाएगा। एक इवन एक ऑड है चलेगा, डिफरेंस 1 आ रहा है। एक इवन एक ऑड चलेगा, डिफरेंस 3 आ रहा है। एक इवन दोनों ऑड नहीं चलेगा, एक इवन एक ऑड चलेगा चलेगा, एक इवन एक ऑड चलेगा चलेगा, ये दोनों ऑड नहीं चलेगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर इन द रोस्टर फॉर्म। लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म मतलब होता है कि यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, सेट के जितने भी एलिमेंट है यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू सी। व्हाट आई वांट टू सी मींस व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। आई एम नॉट वांटिंग टू से एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कुछ रिलेशन के बारे में कहता होगा।
जरा देखिए ध्यान से। फोर्थ, एक फिगर दिया गया है, जरा इस फिगर को ध्यान से समझे। कह रहा है कि द फिगर 2.7 शोज समथिंग समथिंग रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। चलिए, एक ये पी लिखा हुआ है, अब ये नहीं कह रहा उसने गोल बनाया, चपटा बनाया, अपने से क्यों बनाया, कुछ भी बना दीजिए। एक ये पी लिखा हुआ है और एक क्यू लिखा हुआ है, और पी में है 5, 6, 7 और क्यू में है 3, 4, 5 फाइव का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से रिलेशन है, और 7 का 5 से रिलेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस शो द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जरा देखिए, पहला आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कि प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ये दोनों एलिमेंट किस प्रकार से रिलेशन रख रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मान लूं कि जो रिलेशन है ना वो एक्स कामा वाई है, मतलब सच दैट पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, जरा ध्यान से समझिएगा। फाइव और थ्री में क्या रिलेशन है, 6 और 4 में क्या रिलेशन है, 7 और 5 में क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे 5 2 छोटा है 3 से, 6 2 छोटा है 4 से, 7 2 छोटा है 5 से। यानी अगर मैं 5 में 2 माइनस कर दूं तो 3 मिल जाएगा, 6 में 2 माइनस कर दूं तो 4 मिल जाएगा, 7 में 2 माइनस कर दूं तो 5 मिल जाएगा। बोले हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो उल्टा कहेंगे, उल्टा कह दो, 3 में 2 प्लस कर दूं 7 मिल जाए, 5 मिल जाएगा, 4 प्लस 2 6 मिल जाएगा, 5 प्लस 2 कुछ भी आते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एलिमेंट आप x मान रहे हैं, ये y मान रहे हैं, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू y प्लस 2, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म मतलब आप इसमें एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किस गुण धर्म को ये मान रहा है, ये आप लिखना चाहते हैं, ठीक। फिर आपसे कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म लिखिए। हमने कहा था रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है यू हैव टू राइट द ऑल द ऑर्डर पेयर। तो आर को क्या लिखेंगे आप, 5, 3, 6, 4 और 7, 5। तो यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई आप इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो ये एलिमेंट डोमेन है और ये सभी एलिमेंट लिटरेट ये रेंज है। तो अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डोमार 5, 6, 7 रेंज आर 3, 4, 5। हाँ, अगर आपसे को डोमेन कहते हैं तो यही एलिमेंट को डोमेन भी है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए है। चलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन बारे में बात कर लेते हैं, कहे क्या रहा है। एक सेट ए है आपका 1, 2, 3, 4, 6, एक सेट दिया है ए 1, 2, 3, 4, 6। ये ना समझना हम 5 भूल गए, 5 दिया नहीं गया है, ठीक है। डिफाइंड आर बी द रिलेशन ए कामा बी वेयर ए, जरा लैंग्वेज समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल बताओ, इंग्लिश में है। रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए मतलब बी जो है ना ए से डिविजिबल है। यानी अगर मैं सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करूं, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सेकेंड को फर्स्ट से, मतलब ऊपर लिखेंगे बी नीचे लिखेंगे ए। अब चूंकि मैंने कहा सेट होता, रिलेशन होता क्या है, तो आप कहेंगे भैया रिलेशन तो इसका ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो मैं इसमें डाल लेता हूं, ठीक है। तो आप रिलेशन लिखोगे तो एक 1, 1 आएगा,
ठीक। तो अगर मैं वन वन लिखता हूं तो वन को वन से डिवाइड करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वन टू आएगा। तो अगर ऊपर क्या लिखना है, ऊपर ये लिखना है टू, टू अपान वन करेंगे डिवाइड हो जाएगा, वन थ्री लिखिए ऊपर लिखेंगे थ्री का अपान वन लिखेंगे डिवाइड हो जाएगा, वन फोर लिखिए फोर अपान वन करिए डिवाइड हो जाएगा, वन सिक्स लिखिए डिवाइड हो जाएगा, वन का रिलेशन शो आ गया। अब जरा यहां पर आइए, अगर मैं टू वन लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं यहां पर लिख देता हूं टू वन लिखता हूं, तो अगर मैं वन को ऊपर लिखता हूं टू को नीचे लिखता हूं तो डिवाइड नहीं होगा, वन बाई टू आएगा, नहीं कर सकता। अच्छा टू टू लिखता हूं डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखेंगे ये वाला टू नीचे लिखेंगे ये वाला टू, कट के वन आएगा, ठीक है। टू थ्री लिखता हूं नहीं डिवाइड होगा, तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा। टू फोर लिखता हूं हो जाएगा, कैसे, ऊपर लिखेंगे फोर नीचे लिखेंगे टू, फोर टू से डिवाइड हो जाएगा। टू सिक्स लिखता हूं डिवाइड हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे सिक्स नीचे लिखेंगे टू डिवाइड हो जाएगा, टू का काम खत्म, थ्री पे आ जाओ। अगर मैं थ्री वन लिखता हूं नहीं डिवाइड होगा, तो थ्री वन लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा, वन को ऊपर लिखना पड़ेगा थ्री को नीचे लिखना पड़ेगा, वन अपॉन थ्री डिवाइड नहीं हो रहा ना। थ्री टू लिखता हूं नहीं डिवाइड होगा, थ्री थ्री लिखता हूं डिवाइड हो जाएगा, थ्री फोर लिखता हूं नहीं होगा, फोर अपॉन थ्री डिवाइड नहीं होगा, थ्री सिक्स लिखता हूं डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि थ्री सिक्स को लिखेंगे ऊपर थ्री को लिखेंगे नीचे, फोर पे आ जाओ। फोर वन नहीं डिवाइड होगा, फोर टू नहीं डिवाइड होगा, फोर टू नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि टू को ऊपर लिखना है फोर को नीचे लिखना है। तो अगर टू अपान फोर करोगे तो वन बाई टू आएगा, नहीं हो सकता है, फोर थ्री नहीं होगा, फोर फोर डिवाइड हो जाएगा, फोर सिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिक्स अपान फोर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, सिक्स पे आ जाओ, सिक्स वन नहीं होगा, तो सिक्स सिक्स हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आएगा, देखना एक आधा एलिमेंट की गलती से छूट ना गए हो, वैसे छूटे हैं नहीं। तो दिस इज द रिलेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं डोमेन ऑफ आर बताओ और रेंज आर बताओ, तो डोमेन कैसे इसका निकालेंगे, डोमेन के लिए क्या बताया गया था कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके और डोमेन कहलाएंगे, निकालो डोम ऑफ आर। डोम ऑफ आर क्या होंगे, वन 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 वन, वन बार वन मत लिखिएगा, टू टू थ्री थ्री फोर फोर सिक्स सिक्स डोम ऑफ आर। फिर आपसे क्या कह रहा है कि आप रेंज ऑफ आर निकालिए, रेंज निकाल लो। रेंज ऑफ आर में क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, बाय चांस सभी आ जाएंगे, और यही आपका कोडोमेन भी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट जो उधर के होंगे वन टू थ्री फोर सिक्स ही तो आएंगे ना, तो यही आपका टू कोडोमेन भी हो सकता है अगर वो पूछे तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई थिंक यू हैव गॉट, यस यू हैव गॉट, आई एम कंफर्म दैट यू हैव गॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, सिक्स कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, देखिए रिलेशन आर जो दिया गया है ना वो कैसे दिया गया है, टेक्निकल तरीके से लिखा गया है, एक्स कामा एक्स प्लस फाइव, ये एक ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा बोला गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक्स को रखना शुरू करो, जब एक्स को रखोगे जीरो तो जीरो कामा फाइव हो जाएगा, तो एक ऑर्डर पेयर क्या आएगा जीरो कामा फाइव, फिर एक्स रखो रखना शुरू करो और वाई निकाल दे जाओ, एक्स रखो वन वन कामा सिक्स हो जाएगा, टू कामा फाइव बड़ा हो जाएगा सेवन हो जाएगा, थ्री कामा एट हो जाएगा, फोर कामा नाइन हो जाएगा, फाइव कामा टेन हो जाएगा, निकल आया रिलेशन। एक्स यहां रखेंगे, यहां भी एक्स रखेंगे, जब रखेंगे जीरो होती है जीरो आएगा, जीरो प्लस फाइव फाइव आएगा, एक्स रखेंगे वन यहां वन वन प्लस फाइव सिक्स आएगा, टू टू प्लस फाइव सेवन आएगा, थ्री थ्री प्लस फाइव एट आएगा, सभी एलिमेंट लिख लेंगे। अब आपसे कह क्या रहे हैं कि डोमेन रेंज निकालो, बहुत बार निकाल चुके हैं, डोम ऑफ आर क्या होगा, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, रेंज ऑफ आर निकालो, रेंज राइटिंग पे ना जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन,
इसको प्रांत कहते हैं, इसको प्रांत कहते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, सेवन कहता है कि आर एक ऐसा रिलेशन है एक्स कामा एक्स क्यूब, यानी जो सेवन क्वेश्चन का जो रिलेशन का कंसेप्ट है जो गिवन है एक्स कामा एक्स क्यूब, यानी जो भी यहां पर लिखेंगे उसका क्यूब करके यहां लिखेंगे, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। कहते हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, बता सकते हैं प्राइम नंबर क्या होगा? तो आप सोचेंगे अरे सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स या विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वन प्राइम नंबर है कि नहीं है, वन अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आपकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम्पल्स को फुलफिल करती हो। जैसे आपने कहा कि वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। अब जरा वन का एग्जाम्पल लीजिए, वन अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है और वन से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से क्या लग रहा है वन एक प्राइम नंबर है, जबकि ऐसा है नहीं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखिए, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई या विच आर हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, इनके दो अलग अलग फैक्टर, ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, फर्स्ट इटसेल्फ सेकंड वन। अब आ जाओ वन पे फैक्टर वन इंटू वन होंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए वन इज नॉट प्राइम नंबर। यहां पर एक्चुअली एक्स लिखा क्या जाएगा, यानी एक्स लिखा जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, बस 8, 9, 10 हो नहीं सकता, तो 2, 3, 5, 7 ये आपके एलिमेंट हो गए। अब आप यहां रखना शुरू कर दो, आर क्या निकलेगा, तो अब एक्स को 2 रखेंगे तो इसका क्यूब करो कितना आएगा, 8 आएगा। एक्स को 3 रखेंगे क्यूब करोगे 27 आएगा। एक्स को 5 रखेंगे क्यूब करोगे 125 आएगा। एक्स को 7 रखोगे 243 आएगा। यही आएगा ना, नहीं गलत लिख दिया, 343 होगा, सॉरी 343 होगा, 749 और 49 का 7 रिटायर करो तो ये आएगा 763 और 28 43, ठीक है 34 ये आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इन द रोस्टर फॉर्म, आई हैव रिटन इट राइट इन द, अगर हमसे कहें डोमेन बताओ, अगर कहते कहा नहीं उन्होंने, और जब कहें तभी निकालिएगा, तो क्या होगा 2, 3, 5, 7। अगर आपसे कहते हैं रेंज निकालो तो क्या आता 8, 27, 125 और 343। अगर आपसे कहते रेंज निकालो तो तब निकालते आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक सेट ए है एक्स वाई जेड, चलिए मान लेते हैं, मान ही लेते लिख लेते हैं, मानेंगे कहा तो कुछ नहीं दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और एक सेट बी है 1, 2, एक सेट बी है 1, 2। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जरा ध्यान से समझिएगा, हमने भी कहा था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी बोले तो 3 × 2 बोले तो 6। जब रिलेशन जो होता है आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उतने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि भैया नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में एलिमेंट है 6 और नंबर ऑफ सबसेट 2^n होता है, 2^c 2^2 4^2 16^2 64 टाइप के रिलेशन पॉसिबल हैं। अब ये ना कहना बना के दिखा, वो तो डिपेंड करता है आपसे कौन कौन से रिलेशन मांग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट इफ यू ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन दिस प्रॉपरली देन इट इज लीस्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ऑन जेड. आर एक ऐसा रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज इंटीजर. अब जरा देखिएगा इंटीजर का मतलब क्या हुआ, मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है. तो अगर आपसे कहें कि भैया आप डोमेन निकालो तो भैया ए को कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, बी को कुछ भी रखो इंटीजर में, आपका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा. तो आप कहेंगे डोमेन ऑफ आर निकालो चाहे रेंज ऑफ आर निकालो, सब में इंटीजर ही आएगा. ठीक है भाई, आप ए को कुछ भी रख दो 1 2 3 4 माइनस माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी रखो, बी को कुछ भी रखो, डिफरेंस इंटीजर ही आना है, वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट वीडियो फॉर द फंक्शन. ओके, नमस्कार.